दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या निरंतर गहराती जा रही है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण अतिक्रमण भी है और यह बीमारी लगभग सभी बाजारों में देखने को मिलती है। आज हम आपको लक्ष्मी नगर मेन बाजार का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रियों का पैदल चलना भी दूभर है। इसी सिलसिले में हमने क्षेत्र के कुछ लोगों से ट्रैफिक जाम के कारण व समाधान जानने की कोशिश की। सर, आप इस मार्केट के प्रधान हैं, तो आप जो यहाँ पे आगे गैर कानूनी दुकानें लगाई हुई है दुकानदारों ने, आपने इस बारे में लोगों दुकानदारों से क्यों कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं बहुत बोला और मैं कहा ही नहीं, मैं खुद जाके दुकानदारों का सामान उठा के शटर के अंदर किया, परंतु रोज रोज तो मैं भी नहीं कर सकता ना। मैं मानता हूँ दुकानदार भी गलत है, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो रोड पर पटरी लगवा के उसका पैसा खा रहे हैं। अब ठीक है, वो कहते हैं पुलिस वाले का पैसा खाते हैं, वो कहते हैं दुकानदार खाते हैं, दुकानदार ले रहा है अभी तो बदनाम, पुलिस हो या दुकानदार हो, मैं नहीं मानता। मैं मेरे बार कैसे लगा देगा अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो। जब तक दिल्ली पुलिस, जब तक कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। और अभी चार दिन पहले ही थाने में एक मीटिंग हुई है, हमारे पुलिस कप्तान इस डिस्ट्रिक्ट के नए आए हैं, ACP साहब भी नए आए हैं, IPS हैं, मुझे बहुत उम्मीद है उनसे। पहली बार किसी अधिकारी ने ऐसे बोला है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। सर, यहाँ पे लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ट्रैफिक की वजह से, और पुलिस वाले यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, और यहाँ पे गैर जिम्मेदारी से मतलब लोगों ने आगे लगा रखी है दुकानें, इसका क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खुद SHO साहब यहाँ पर आए, उनसे मैंने बोला कि ये समस्या है, उनके सामने ही यहाँ सारे रेडी वाले कहीं से नहीं हिले, और ये लोग सवेरे दुकान खुलने से पहले 9 बजे आ जाते हैं, और ये तो कहते हैं दुकान बंद करा के जाते हैं, रात को 10 बजे तक भी बैठे रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं ये, इसके नीचे ये शराब के पौवे रखे होते हैं, शराब पी लेते हैं और नशे में रहते हैं, और जरा लड़कियों को महिलाओं को निकलना मुश्किल हो जाता है, और लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं पूरी रोड पे इंक्रोचमेंट। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मरीज अगर निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता, उसकी मृत्यु यहीं विजय चौक पे हो जाएगी, क्योंकि निकल ही नहीं पाएगा यहाँ से, कोई एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। कोई दुर्घटना हो जाए, फायर ब्रिगेड निकलना चाहे वो नहीं निकल सकती, पुलिस वालों की जिप्सी आती है खूब देख के चली जाती है, कोई मतलब इंतजाम नहीं है, कोई सरकार नहीं है दिल्ली में, इन्हीं का नंगा नाच है, इन्हीं का राज चल रहा है, मतलब रेडी वालों का। ये जितने दुकानदार हैं यहाँ पर, उन्होंने नजायज़ बाहर 6-6 फुट जगह घेरी हुई है, फिर रिक्शे वाले, रेडी वाले, हम यहाँ शॉपिंग करने आते तो 1 इंच पैदल भी चलना भारी है, एक दूसरे से ऊपर टकरा के गिर के चलना पड़ता है, और बहुत बदतमीज़ी होती है इस वजह से मार्केट में, भीड़ भाड़ की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है मैनेजमेंट यहाँ का, यहाँ का सिस्टम में कुछ भी सुधार नहीं हुआ आज तक, बहुत परेशानी, पिछले कई साल से यही हाल है यहाँ, और इन फ्यूचर भी कुछ नहीं लगता कुछ सुधार होगा यहाँ। यहाँ पर बहुत जाम रहता है, बड़ी परेशानी होती है, निकलने आने जाने की परेशानी रहती है, कोई भी सुनता नहीं है, ना ठेले वाला सुनते हैं, ना रिक्शा वाला सुनते हैं, सारे भीड़ इतनी रहती है, बड़े बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस जिम्मेवार है, समय समय पे दिल्ली पुलिस के SHO से भी रिक्वेस्ट करी है, और इतनी समस्या है कि हर समय ना ट्रैफिक जाम रहता, और यदि कोई आग लग जाए या कोई बीमार हो, एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती, और इतना बड़ा कोई भी बड़ा हादसा हो जाए तो यहाँ कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और हमारी ACP साहब, नए ACP साहब और DC साहब से रिक्वेस्ट है कि वो सरप्राइज चेकिंग करें मार्केट की, और बिना बताए, और फिर देखें कि मार्केट का कितना बुरा हाल है, कि क्या समस्या है, इसको हल करें किसी भी तरीके से।